नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम लोग जो है धातु, अधातु, उपधातु और मिश्र धातु ये जो है शुरू किए हैं, उसमें से धातु और अधातु वाला टॉपिक कम्प्लीट हो गया है। जो मित्र उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाके पहले वो वीडियो को देख लें, फिर यहाँ पर आएँ, उपधातु को देखें, फिर इसके बाद मिश्र धातु वाला लेंगे, फिर चारों का कंबाइन हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं उपधातु। उपधातु एक बहुत छोटा टॉपिक है और यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। सीधा पूछ लेता है कि इनमें से उपधातु कौन सा है कौन सा नहीं है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उपयोग के बारे में भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि उपधातु किसे कहते हैं। तो वह तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वह जो है उपधातु कहते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि वह तत्व जिसमें जो कभी कभी अधातु और कभी धातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है उसे हम लोग उपधातु कहते हैं। तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं उपधातुओं की संख्या। क्या देखेंगे? उपधातुओं की संख्या। तो आप देखेंगे उपधातु की संख्या, उपधातु कितने होते हैं? उपधातु होते हैं सात। कितने होते हैं? सात। तो आइए उसको हम देख लेते हैं, सातों को एक चार्ट में। यहाँ पे हम लोग सीरियल वाइज ऐसे आप लोग तीन बना लीजिएगा, यहाँ पे SN मतलब सीरियल नंबर, फिर उपधातु और उसका उपयोग क्या है। ठीक है, तो उससे अपना जो है कर लीजिए। इसे यहाँ पे उपधातु को लिख लीजिए। ऐसे आप लोग भी छोटे में चार्ट वाइज जो है अपना बनाइएगा नोट्स, जिससे रिवीजन में काफी कम समय आपका लगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए उपयोग, मतलब उस उपधातु का उपयोग क्या है। तो पहला आता है आपका, क्या आता है? बोरान। बोरान को बी से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक पांच होता है। ठीक है, बोरान के बाद आपका आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है? होता है SI, इसका होता है चौथा। ठीक है, बोरान सिलिकॉन, फिर आता है आपका जर्मेनियम। क्या आएगा आपका? जर्मेनियम का होगा G32। ठीक है, फिर आएगा आपका आर्सेनिक का आपका होता है सिंबल AS, इसका होता है आपका 33। ठीक है, फिर आपका आएगा एंटीमनी। क्या आएगा? एंटीमनी का आपका हो जाएगा सिंबल SB। ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, फिर आपका छठे नंबर पे आएगा टेलेनियम का TE हो जाएगा और इसका होगा 52। ठीक है, फिर सातवें पे आपका आता है, सातवां जो है वो है पोलेनियम। ठीक है, पोलेनियम, इसका सिंबल होता है PO और इसका होता है 84। ठीक, तो ये जो है सात उपधातु हैं, इनके नाम और सिंबल आप लोगों को दोनों याद होना चाहिए। परमाणु क्रमांक एक बार के लिए छोड़ भी सकते हैं, अगर याद रख सकते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि अभी परमाणु क्रमांक से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है कि बोरान मतलब इसका परमाणु क्रमांक कितना है जर्मेनियम, लेकिन पूछने को पूछ भी सकता है। तो ये सातों के नाम और सिंबल तो जरूर याद होने चाहिए। इतना आपने कर लिया तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से अगर आएगा तो आप सही कर लेंगे। फिर उसकी उपयोगिता हम देख लेते हैं, आइए बोरान में चलते हैं। बोरान से क्या होता है? बोरेक्स। ठीक है, बोरेक्स बनाने में, बोरेक्स
बोरेक्स बनाने में, जो कि क्या होता है, एक होता है एंटीसेप्टिक। बोरेक्स क्या होता है? एंटीसेप्टिक क्रीम होता है। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है जब चोट वोट लग जाती है, सेप्टिक, ठीक है, एंटीसेप्टिक होता है। फिर इसका उपयोग बोरेक्स बीड परीक्षण में किया जाता है, ठीक है, बोरेक्स बनाने में। और फिर ये होता है आपका बोरिक एसिड भी बनता है इससे, ठीक है, बोरिक एसिड बनाने में। और इसका उपयोग जो है हम लोग किस में कर सकते हैं? इसका उपयोग हम लोग है अकार्बनिक ग्रेफाइट, अकार्बनिक ग्रेफाइट के रूप में, के रूप में। और इससे अकार्बनिक वो भी बनता है, अकार्बनिक बेंजीन, ठीक है, अकार्बनिक बेंजीन बनता है। इसमें आप लोगों को जो ध्यान रखना है वो जो महत्वपूर्ण है, एक है बोरेक्स बीड परीक्षण में और बोरिक एसिड। बोरिक एसिड जो है एंटीसेप्टिक है, और यहाँ से ये जो है बोरेक्स बीड है, ये बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक है, बोरेक्स बनाने में, बोरेक्स बीड परीक्षण होता है उसमें बोरान का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन, सिलिकॉन जो है आपका जो है अर्धचालक, क्या है एक, ये जो है अर्धचालक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अर्धचालक जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर के रूप में, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका आता जर्मेनियम। जर्मेनियम का जो उपयोग किया जाता है रेडियो या ट्रांजिस्टर आप भी लिख सकते हैं इसको, ट्रांजिस्टर बनाने में, रेडियो ट्रांजिस्टर में, ठीक है, उसमें उपयोग होता है। फिर और इसका कहाँ उपयोग होता है? जर्मेनियम का उपयोग जो है सोलर पैनल होता है उसमें उपयोग इसका किया जाता है बनाने में, और फोटो इलेक्ट्रिक सेल में भी इसका उपयोग किया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। ये क्वेश्चन जर्मेनियम पूछा जाता है तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, जर्मेनियम क्या क्या उपयोग है। फिर आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक जो है इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? कंप्यूटर चिप बनाने में। अगर ये पूछा जाए चिप का उपयोग कहाँ, किस धातु से बनाया जाता है, तो कंप्यूटर चिप बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन आज के समय में चिप जो है गैलियम ऑक्साइड का उपयोग आज के समय में किया जाता है, ठीक है, गैलियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किस उपधातु का उपयोग कंप्यूटर चिप बनाने में किया जाता है, तो आर्सेनिक। अगर आर्सेनिक नहीं है तो सिलिकॉन भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी आप डाउन लिख लीजिए। लेकिन ज्यादातर जो है आर्सेनिक का ही उपयोग किया जाता है, और वो भी अब रिप्लेस होके गैलियम ऑक्साइड पे आ गया है। एंटीमनी का उपयोग जो होता है दिया सलाई की तिल बनाने में, जो माचिस नहीं होती है उसकी तीली बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, दिया सलाई तीली बनाने में, ठीक है।
टेलेनियम, टेलेनियम जो है एक बहुत ही विषैला, क्या है, बहुत ही विषैला पदार्थ है, इसको ध्यान रखेंगे। अब आता है जो लास्ट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोलोनियम। ये एक उपधातु तो है ही, इसके अलावा दो तीन चीजें, इसकी खोज मैडम क्यूरी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, मैडम क्यूरी ने की। सेकंड, प्रथम जो है कृत्रिम, प्रथम कृत्रिम धातु भी है ये, प्रथम कृत्रिम धातु है। तीसरा, इसके समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है, समस्थानिक सर्वाधिक हैं इसके, सारे तत्वों में सर्वाधिक कितने हैं, 27। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आइए एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। उपधातु पहले ऐसे देख लेते हैं, संख्या कितनी है, 7। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कौन है, बोरान, सिल्कान, एसआई, जर्वेनियम, जीई, आर्सेनिक, एएस, एंटीमनी, एसबी, टेलेनियम, टीई, पोलेनियम, पीओ। क्या याद रखना है, उसका नाम और उसका सिंबल, अगर परमाणु क्रमांक याद रख सकते हैं तो और अच्छी बात है। फिर अब उसका उपयोग देख लेते हैं, बोरान का उपयोग बोरेक्स बीड बनाने में, और बोरिक एसिड जो कि क्या है, एक एंटीसेप्टिक है, आर्गेनिक, अकार्बनिक ग्रेफाइट के रूप में, और अकार्बनिक बेंजीन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आइए सिलिकॉन, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि सिलिकॉन सिटी किसके कहते हैं, तो सिलिकॉन सिटी जो है बंगलुरु को कहते हैं, इसको ध्यान रख सकते हैं। फिर आते हैं सिलिकॉन का उपयोग किस में किया जाता है, अर्धचालक के रूप में, और कंप्यूटर चिप भी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है जर्मेनियम, जर्मेनियम जो है जिसका सिंबल जी है, रेडियो ट्रांजिस्टर के रूप में, सोलर पैनल बनाने में, और फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है आर्सेनिक, आर्सेनिक का उपयोग होता है कंप्यूटर चिप बनाने में, परंतु आजकल जो है आर्सेनिक के स्थान पे गैलिनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जा रहा है, इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। फिर आता है एंटीमनी, ठीक है, एंटीमनी का उपयोग जो है इसका उपयोग किया किसमें किया जाता है, दिया सलाई तिल्ली बनाने में, ठीक है। फिर आता है टेलेनियम, टेलेनियम क्या है, एक बहुत ही विषैला पदार्थ है। फिर आता है पोलेनियम, पोलेनियम ही जो है मैडम क्यूरी ने इसकी खोज की थी, प्रथम कृत्रिम धातु है, और जो है इसके सर्वाधिक समस्थानिक सारे तत्वों में पाए जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 27। ये रहा छोटा सा आपका जो है क्लास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ऐसे बना लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है मित्र। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, कोई सुझाव है, अगर आपको लगता है कि और सुधार की जरूरत है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।